मुख्यमंत्री की भाषा ठीक नहीं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कार्रवाई वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, अमरोहा के कंबल प्रांगण पर बोला प्रकरण पर बोला उन्होंने हमला, क्योंकि अमरोहा में जिस तरह से कंबल बांटे गए भ्रष्टाचार की बू आई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमलावर हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर। योगी वो जो दूसरे की सुरक्षा कर सके, सीएम की भाषा ठीक नहीं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्रवाई, अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी वो जो दूसरे की सुरक्षा कर सके, सीएम की भाषा ठीक नहीं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कार्रवाई हो रही है। योगी वो जो दूसरे की सुरक्षा कर सके। अब जिस तरह से कल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने भगवा कपड़ों को लेकर कमेंट किया, वार किया, और आज अखिलेश यादव भी योगी को लेकर कह रहे हैं कि दूसरे की सुरक्षा कर सके वो योगी है, सीएम की भाषा ठीक नहीं। और गीता में हमने पढ़ाया और उसका उदाहरण कई बार दिया है आपको। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या मुख्यमंत्री जी दूसरों का दुख अपना दुख समझ रहे हैं? अभी कंबल बांटने गए थे रात में, मुख्यमंत्री जी गाड़ी में बैठे, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे और उन्हीं के अधिकारियों ने वो कंबल गरीबों से छीन लिए। इस सर्दी में जो प्रदर्शन था, धरना था, आंदोलन था, लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी गुस्से को, अपनी बात को रख रहे थे। मुख्यमंत्री जी की भाषा याद है आपको, उन्होंने ये कहा कि बदला लिया जाएगा। और ये पहली बार नहीं उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा, विधानसभा के सदन में उन्होंने कई बार ये कहा है कि ठोका जाएगा, ठोक देंगे। जिस सरकार के मुखिया की भाषा ऐसी हो और जिन्होंने पूरी खुली छूट पुलिस को दे दी हो, और सच्चाई ये है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने निर्दोष लोगों की पुलिस की गोली से हत्या करवाई है। जहां तक सवाल देश का है और समाज का है, सदियों से भारत में लोग मिलकर के रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है। और भारत का रंग तिरंगा है, झंडे का ये तिरंगा ही रहेगा, कोई एक रंग में नहीं कर पाएगा, ये भारत देश की जनता जानती है।